नमस्कार, मैं अभिमन्यु नंद नगरी, मकान नंबर 50, दिल्ली 93 से बात कर रहा हूँ। मेरी आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी आप लोग न्यूज़ दे रहे हैं, कृपया करके सच और सही न्यूज़ दीजिए, बनाइए मत। क्योंकि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनको क्या कहते हैं कि बड़ी दिक्कत परेशानी है, उनमें से एक मैं भी हूँ। कि मेरा एक छोटा सा काम है, पार्टियों का काम है मेरा, जिसमें मैं इंग्लिश वेटर में जाता हूँ, और मेरा सीजन लास्ट यही चल रहा था, अप्रैल और मई का मेरा सीजन होता है जो लास्ट होता है। इसी में मैं दो पैसे कमा लूँ। मेरा अक्टूबर से अप्रैल तक का सीज़न मेरा रहता है, लास्ट मई में, और 600-650 रुपये तक दिहाड़ी है मेरी, जिसमें कि मेरे 150 रुपये मेरे बाइक के पेट्रोल के लग जाते हैं और बाकी का मेरा खर्चा चल जाता है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कहते हैं कि मैंने मकान का किराया देना था, अभी 10 तारीख को मेरे मकान का किराया होता है, 10 मार्च को देना था मुझे, जिसकी वजह से मेरे को अभी मैं दे नहीं पा रहा था। तो फिर मुझे 20 मार्च तक मुझे पैसे कमाने थे, मैंने कमाए, और 21 तारीख को लॉकडाउन कर दिया गया, जिसकी वजह से फिर मुझे जो मेरे पे पैसा था मकान का किराया देने के लिए 3,500 रुपये, वो मैंने अपने घर में राशन जो भी थोड़ा बहुत था अपने घर के खर्चे के लिए यूज़ करा उसको। आज परिस्थिति ये आ चुकी है मेरी लाइफ के अंदर कि मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी वाइफ, उसको फिट्स की प्रॉब्लम है, पंत से उसका इलाज चल रहा है, पंत से दवाई मिलती थी, पूरे महीने भर की दवाई मिली हमको। तो मैंने सोचा चलो कि महीने भर की दवाई मिल रही है तो ठीक है, चलो अब वही दवाई अगर बाहर से लेने जाऊंगा तो पूरे 3,500 की पूरे महीने भर की दवाई आएगी मेरी। और आप लोगों को यकीन ना हो तो मैं फिर भी यकीन कराना चाहता हूँ कि मैं घर की परिस्थिति से बहुत बेकार गुजर रहा हूँ इस समय, तो कृपया करके लॉकडाउन ख़त्म करवा दीजिए। अगर ख़त्म नहीं हो सकता तो प्लीज़ एक तो सच न्यूज़ दीजिए, और सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे मैंने फिर बोला, एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको कि मैं नंद नगरी मकान नंबर 50 में रहता हूँ, अभिमन्यु मेरा नाम है, दिल्ली 93 मेरा यहाँ का कोड पड़ता है, ईवन ब्लॉक के रहते हैं ये, मदर डेयरी के पास, ये मेरा पूरा पक्का एड्रेस है। तो जो भी मेरी इस बात को सुन रहा है तो उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे यहाँ पर राशन बांटने वाले तो कोई नहीं आ रहा, बाकी मेरे यहाँ खाना बांटने वाले आ रहे हैं। तो खाना बांटने में वो सिल्वर फॉइल के जो पैकेट होते हैं वो आते हैं मेरे यहाँ पे सुबह शाम, तो वो भी मुँह देख के दिया जाता है, किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया, और वही खिचड़ी 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 और भी बहुत कुछ, जैसे कि चावल हो गए, दाल हो गई, कड़ी चावल हो गए, चावल ही चावल सुबह शाम, इंसान कितना चावल खाएगा। चलो सपोज करो एक बार इंसान चावल खा भी लेता है, लेकिन मेरी मजबूरी समझो मेरे भाई लोगों, मुझे अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन लेने जानी है, जो कि पंथ बंद पड़ा हुआ है, कि मेरे पे पैसा नहीं है। एक ही इलाज वहीं से करा रहा था और एक ही मेरे पे जरिया था पंथ का, इतना तो मेरे पे पैसा है, 500-600-700 रुपये भी मेरे पास पड़े हैं कि भाई चलो कि मैं पंथ चलाया था 150 का पेट्रोल डला के और वहाँ से लिया था मेडिसिन, लिया था पूरे महीने भर की। और आपको क्या बताऊँ, ना ही कोई मेरा घर में बड़ा है, ना मेरे मम्मी, ना मेरे पापा, ना मेरी वाइफ का कोई माँ बाप, हम लोग अनाथ हैं एक तरीके से, कोई बड़ा हमारे सर पे नहीं है। बहुत साल के रिलेशन बनाने के बाद हमने अरेंज मैरिज की और खुशी खुशी रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, हमने दिसंबर में शादी करी थी, 3-4 महीने मेरी शादी को बहुत अच्छे से सिस्टम चल रहा था, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था, बट अभी भी मेरे पे कोई गिला शिकवा नहीं है। बस मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर ये लॉकडाउन चल रहा है तो कृपया करके, मैंने आपको एड्रेस दिया है, तो मेरी हेल्प करें जो कर सकता है।
सबसे बड़ी मुझे मेडिसिन की प्रॉब्लम है। मैं 2 टाइम की जगह 1 टाइम अपनी वाइफ को खाना खिला दूँ, वो भी 1 टाइम खा लेगी। मकान मालिक ने किराए के लिए मुझे आज तक नहीं बोला अभी, उसको पता है लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ से देगा ये। उनको भी मैंने बोल रखा है कि सर अगर लॉकडाउन खुलेगा मैं काम धंधा करूँगा, कुछ भी कैसे भी थोड़ा थोड़ा करके दे दूँगा आपको, लेकिन दे दूँगा मैं। जैसे मेरा हर महीने का मकान किराया 3,500 जा रहा है, तो उसमें 1500-1500 ऐड करके एक्स्ट्रा करके मैं सारे दे दूँगा। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर सपोज करो पढ़ा लिखा होता तो मैं टाइपिंग करके भेजता ना आप लोगों को, मैं टाइपिंग करके नहीं भेज रहा। तो आप यहीं से समझ सकते हैं, मेरी वाइफ है वो पढ़ी लिखी है इतनी, लेकिन उसके फिट्स की प्रॉब्लम है, उसको ध्यान रखना पड़ता है उसका। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं इतना भी परेशान नहीं होना चाहता अपनी लाइफ के अंदर कि मैं रोने लगूँ, मैं परेशान हो जाऊँ। इससे अच्छा तो इंसान को कोरोना वायरस नहीं हो जाए यार। जितनी दिक्कत हम लोगों को आ रही है ऐसे में, तो मुझे कोरोना वायरल हो जाए, मेरी वाइफ को भी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम तब तो सपोर्ट दोगे आप लोग हमें। मेरे जैसे कई लोग जो जिनका गांव था परेशान थे, जो लोग जो जहां जा सकते थे वहां वहां जा गए, लेकिन जो दिल्ली का ही रहने वाला है, शुरू से बचपन से ही दिल्ली में पला बड़ा है, वो क्या करेगा। कभी मैंने किसी सपोर्ट नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा। बची कुछ ही मेरे पास एक बाइक ही है मेरी, अगर मैं वो भी बेच दूं तो फिर आने वाले समय में काम करता हूं, फील्ड का करता हूं, कैसा भी करता हूं, मैं कहां से काम करूंगा, क्या करूंगा। और सबसे बड़ी बात आती है कि मेरी बाइक पे तो कोई नहीं लेगा ना, एक ही तो मेरे पे जमा पूंजी है। मैं बड़ा सीरियस होकर ये बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो आप लोग मीडिया वाले जो भी हैं जैसे भी हैं, मुझे नहीं पता आपकी सीन, जब मैंने फ़ोन में देख रहा था न्यूज़ ये, तो आपका लिखा हुआ नीचे वो आ रहा था, व्हाट्सएप नंबर आ रहा था, मेल नंबर आ रहा था, तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो करा, आपका व्हाट्सएप नंबर मैंने करा। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आप लोग फेक नहीं हो तो मेरी जो हो सकती है आप लोगों से हेल्प करो। इंसान बना बनाया 2 खिचड़ी चावल मिल रहे हैं, वो भी कितने दिन खा लेगा। इंसानों घर की भी दिक्कत परेशानियाँ होती हैं, मेडिसिन खाती है मेरी वाइफ, दूध है उसके लिए, फल फ्रूट भी नहीं खाए, चलो कोई बात नहीं है, घर में साग सब्जी है। आप समझ सकते हैं, आप खुद घर वाले हैं सब जने, कि इंसान को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो भाई लोगों और मेरी बहनों जो भी हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे से कि प्लीज़ इतना गिर चुका हूँ, इससे और मत गिरने दीजिए मुझे। अगर आपसे कुछ हो सकता है तो प्लीज़ मिलने कीजिए।